नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। चल भाई राजेश शुरू हो जा, आजा 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 खड़ा जा, खड़ा जा। सुना, अरे सुना, कुछ सुना आपने? कुछ सुना आपने? अरे क्या है बंदर लेखा, क्यों फटी जा रही हो? पहले सांस ले लो, फिर बताओ क्या चक्कर है। मैं खुशखबरी लाई हूँ। तुम और खुशखबरी? मैं नहीं मानता। अंधेरा कहे कि मैं उजाला लाया हूँ तो मैं मान सकता हूँ, मगर तुम कहो कि मैं खुशखबरी लाई हूँ, मैं नहीं मान सकता, है कि नहीं? अरे बाबा तुम्हारी कसम खुशखबरी है। पहले मुंह तो मीठा करो, मुंह तो मीठा करो। हाँ अब सुनो, तुम नाना बनने वाले हो, मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे ललिता गर्भ से है। ठीक है, मुझे खुशी हुई सुनकर, बहुत खुश हुआ। लेकिन पहले बताओ, ये शक्ल जो तुमने मेरे मुंह में घुसेड़ी है, ये असली है या अपने दुकान की मिलावट वाली है? अरे बिल्कुल असली है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है। क्या? वो बांझ भी माँ बनने वाली है। तो बनने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अरे कैसी बातें करते हो तुम, हमारी बेटी के घर के बीच वो बांझ कैसे माँ बन सकती है? अभी पूछ के बताता हूँ। हे भगवान, हे विष्णु, हे महेश, अरे गणेश, अरे क्यों मेरी बेटी का सत्यानाश कर रहे हो भाई? ये ममता के मैदान में क्यों मिलावट कर रहे हो? उसको माँ बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी उस वक्त जब मेरी बेटी माँ बनने वाली है। हे चक्करधारी, ये कैसा चक्कर चला रहे हो भाई? अब सबसे पहले हमें अपनी बेटी को अपने घर बुलाना होगा। मैं नहीं चाहती कि ललिता उस मनुष्य घर में, उस मनुष्य औरत के मनुष्य साये में रहकर अपने पहले बच्चे को जन्म दे। ये तुम ठीक चक्कर चला रही हो, चलाओ। अरे कोई है? नमस्कार, आइए 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 भाई। ये कुछ नहीं, सुना हमारी बेटी माँ बनने वाली, उसे बुलाइए। हमारी बेटी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, हम चाहते हैं हमारे घर में जन्म दे। रात होने से पहले हम उसे ले जाना चाहते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। अजी उठो, हर जगह घुसती है। ललिता, तुम्हारे माँ बाप आए तुम्हें घर ले जाने के लिए, वो चाहते हैं कि तुम्हारे पहले बच्चे का जन्म उनके यहाँ हो। आपका मतलब है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जिसमें तुम खुश हो उसमें हम खुश हैं। हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है, क्यों? तो आप ही बताइए, मेरी खुशी कहाँ रहने में है? मेरे ख्याल से तुम अपनी दीदी के साथ ज्यादा खुश रहोगी। तो बस भगा दीजिए उन्हें। अरे कैसी बात करती हो तुम, वो तुम्हारे माता पिता हैं। अरे काहे के माता पिता, देखिए दीदी जरा एक मिनट बाहर। हाँ क्यों नहीं, क्या बात है ललिता? भाई साहब, आपने कभी सोचा कि दीदी भी तो माँ बनने वाली है? मेरे माँ बाप है, मैं उनके घर जा सकती हूँ, लेकिन दीदी का हमारे सिवा और कौन है? अगर मैं वहाँ चली गई तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, कितना दुख होगा उनको। माना कि मेरा पहला बच्चा मेरे माँ बाप के घर होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये घर मेरे माँ बाप के घर से बढ़कर है। मैं यही रहूंगी, दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता को समझा दूंगा। मैंने आपकी बात ललिता से कही, लेकिन उसकी इच्छा यही रहने की है। अरे उसकी इच्छा से क्या होता है, वो तो अभी नादान बच्ची है। देखो जी, मैं साफ कह देती हूँ, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में यहाँ अकेले छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उसकी जी जान से देखभाल करेंगे। अरे क्या खास देखभाल करोगे, इस घर में किसी को बाल बच्चे का कोई तजुर्बा है? जिस पेड़ पर फल फूल ना लगे हो वो किसी को क्या फल देगा और किसी के फूल की क्या कदर करेगा? मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हैं? आप माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही है? हाँ हाँ, तो कौन सी शुभ बातें करूँ, फिक्र के मारे मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? अगर ऐसी वैसी कुछ बात हो गई तो आप लोगों को खबर भेज दी जाएगी, तब आप लोग आकर मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। ललिता, कुछ तमीज है कि नहीं, अपने माँ बाप के साथ ऐसी बात की जाती है? बिल्कुल भाई साहब, ये लोग इसी प्रकार की भाषा समझते हैं, मीठी और शराफत वाली बातें इनकी समझ में ही नहीं आती। ठीक है, तुम अंदर जाओ, जाओ। क्यों जाऊँ, ये अपनी बेटी को लेने आए हैं, तो क्या दीदी इनकी बेटी समान नहीं है? अगर ये मुझे लेने आए हैं तो क्या दीदी से नहीं कह सकते कि चल बेटी, तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम है, हमारे घर चल। तब मैं मानती कि मेरे माँ बाप में इंसानियत है, ये वाकई माँ बाप कहलाने के लायक है। ललिता, भाई साहब आप चाहे जितनी महानता दिखलाएं, इन पर कोई असर नहीं होने वाला है। इनके दिलों में वो अंधेरा भरा हुआ है जो किसी दिए, किसी रोशनी, किसी चिराग से दूर नहीं हो सकता। चलिए चलिए भाई साहब। अरे अरे रोको इसे, मैं कहती हूँ रोको। अरे मैं क्यों रोकूं, बाहर में जाए, जो बेटी अपनी माँ पे गई हो मैं उसका बाप नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, इस घर में मनहूस औरत रहती है, अपनी बेटी को ले चलो। मनहूस रहती हो या कंजूस रहती हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अरे सुनो, अरे अरे तुम मेरे मुंह मत लगा करो बंदर, वरना बोटियां चबा डालूंगा। अब
बोलो मालकन, आप एक दूसरे को काट क्यों रहे थे? अरे वो विजय की पत्नी लक्ष्मी मनुष है, उसका साया अगर हमारी बेटी के होने वाले बच्चे पर पड़ गया तो? एक मिनट, आपका मतलब ये है कि सिर्फ इसका साया पड़ने से और उसकी बुरी नजर लगने से आपकी बेटी का बच्चा नहीं बचेगा? हाँ। और हमने जो जो कर्म किए हैं उसका होने वाले बच्चे पर कुछ असर नहीं होगा? हमने क्या किया है? अरे कितने पाप किए हैं, दूध के पाउडर में मिलावट करके हजारों बच्चों के हाथ पैर खराब कर दिए, कितनों को अपाहिज कर दिया, उसका पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा, ये मैं ठीक बोल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा नवासा पैदा होगा कि नहीं, पैदा होगा तो बचेगा कि नहीं, मुझे तो इसी चक्कर में चक्कर आ रहे हैं। एक रास्ता है, तुम दोनों जिस गाड़ी में बैठ कर यहाँ आए हो उसी गाड़ी में बैठ कर फौरन यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? तीर्थ यात्रा पर। कोई मंदिर, कोई तालाब, कोई कुंड मत छोड़, डुबकी लगाते जाओ और अपने पाप धोते जाओ, फौरन निकल जाओ। अच्छा। दुकान मैं संभाल लूंगा। ये भगवान मेरी दुकान। बंदर लेखा, मैं जहाँ भूलता जाऊँ मेरे को याद दिलाते जाना। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे अंतर्यामी, तू तो जानता है मैंने दौलत की लालच में अपनी बेटी को विजय चौधरी के घर में ब्याहा था। अब वो माँ बनने वाली है, उसकी कोख से बच्चा पैदा होने वाला है। मैंने सारी जिंदगी मिलावट की, तू उसकी कोख में मिलावट मत कर देना। मैं तो कहता हूँ भगवान, उसकी कोख से तू ही जन्म ले लेना, और अगर तूने जन्म लिया तो मैं 1,00,000 का हार बनाकर हीरों का तुझको चढ़ाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? भगवान से मन्नत मांग रहे हो तो वो पूरी करनी पड़ेगी। 1,00,000 रुपया अगर भगवान पर चढ़ाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? 10-5 पैसे की मांग लो क्या? बेवकूफी की सहेली, कंकर वाले चावल की थैली, भगवान से जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी नहीं की जाती, बल्कि पूरी होने तक ऐसे कहना पड़ता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुकर जाया जाता है। ये बेईमानी मैंने तेरे बाप से सीखी थी। हाँ, ऐसी बात है तो 2,00,000 की मन्नत मांगो। मांगो। 2,00,000? बोलो ना। अच्छा भगवान, 1,00,000 का कैंसिल, 2,00,000 का हार चढ़ाऊंगा, मेरा विश्वास करो। इस विश्वास में मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। हाँ नहीं। चौधरी साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बच्चा आराम से हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? ललिता की हालत। क्या हुआ ललिता को, बताइए ना डॉक्टर। मैंने उसी दिन आपको चेतावनी दे दी थी कि ललिता बहुत कमजोर है, दिल की मरीज है, बच्चे को जन्म देते वक्त उसे बहुत तकलीफ होगी। अब उसकी हालत देखते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बच्चे को बचाएं या माँ को? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, उन दोनों को बचाना होगा, मुझे दोनों की जिंदगी प्यारी है, उन दोनों को बचा लीजिए डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे भगवान के हाथ में। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, मिलना जरा मुश्किल है लेकिन ढूंढ के ले आइएगा, ठीक है? ये लीजिए। जी हाँ, आप यहीं रहिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी आना। डॉक्टर, लक्ष्मी जी का बच्चा हो गया। क्या मैं बदनसीब बाप बन गया? लक्ष्मी? हाँ, मैं लक्ष्मी ही हूँ, अब मुझे सिर्फ इसी नाम से पुकारेंगे। बीच में मुझे और एक नाम मिला था, बांझ, मुझे बांझ पुकारा जाता था, अब मुझे कोई बांझ नहीं पुकारेगा, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, माँ। अब आप खुश हैं ना? हाँ लक्ष्मी, बहुत खुश हूँ, लेकिन ललिता। डॉक्टर जल्दी चलिए। क्या हुआ ललिता को? अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। चौधरी साहब आप यही रहिए। ये सब क्या हो रहा है, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम खामखा चिंता मत करो। नहीं, जरूर कोई बात है, इसलिए आप इतने परेशान हैं। फौरन जाइए, लेकर आइए ललिता को। क्या हुआ? ठीक है अभी आए। ललिता को क्या हुआ डॉक्टर?
अब कैसी तबीयत है उसकी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा बेजान पैदा हुआ। क्या? मगर ललिता की हालत बिल्कुल ठीक है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। फिर भी एक समस्या है चौधरी साहब। एक तो ये कि ललिता पहले से ही कमजोर है, ऊपर से जचकी भी बहुत मुश्किल से हुई है, इसलिए उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है और इस वक्त वो एक छोटे से सदमे को भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मतलब उसे बच्चे के मरने की खबर अभी तक नहीं हुई है, अब तक बेहोश है, लेकिन होश में आने के बाद अगर उसे पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ललिता के होश में आने से पहले उसके पास आज ही पैदा हुआ एक बच्चा रख देना चाहिए। मैं समझ गया डॉक्टर। क्या मैं ललिता को देख सकता हूं? डॉक्टर अभी अगर इसे होश आ जाए तो? होश आने ही वाला है, जाइए जल्दी जाइए। जी। क्या हुआ, ललिता कैसी है? ठीक तो है। ठीक तो है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या? उसका बच्चा बच्चा हुआ या नहीं? बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही मर भी गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उसके शुभ पैर हमारे घर में पड़ते ही मैं बरसों बाद माँ बन गई। उस आबागन की गोद हरी करके और उस भाग्य लाने वाले की गोद सोनी कर दी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे ललिता के पास ले चलिए। एक तो ललिता की तबीयत पहले ही बहुत कमजोर है, अब वो एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ऊपर से डॉक्टर ने यह कहा है कि बच्चे के मौत की खबर उसकी मौत का कारण बन सकती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं। बस एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कह देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है। सुनिए, ललिता होश में आने के बाद पूछेगी कि दीदी आपका बच्चा कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हमारा बच्चा मर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये सच थोड़ी है, उसका दिल रखने के लिए कह देंगे। हाँ, कह देंगे, लेकिन कितने दिनों तक? जब तक उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। महीना लग सकता है, 10 महीने लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कहना तो पड़ेगा ही। देर हो रही है लक्ष्मी, ये सोचने का वक्त नहीं है। आप ले जाइए इसे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तो हम यही कह देंगे कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अगर हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा मरा नहीं था, जिंदा है, यही हमारा बच्चा है, तो लोग हमारी बात का विश्वास करेंगे। लक्ष्मी, हमारी ललिता जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है, उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें लोगों की फिक्र हो रही है। आप क्या जाने, लोगों ने मेरे दिल पर शब्दों के कैसे कैसे तीर चलाए हैं। मुझे वो औरत कहते रहे जिसके कोख से औलाद की फसल उग नहीं सकती, मेरे साये को भी मनहूस समझते रहे। आज परसों बाद भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया कि लक्ष्मी बांझ नहीं है, वो भी बच्चे को जन्म दे सकती है, माँ बन सकती है। आज उन लोगों के सामने मैं अपनी औलाद को गोद में लेकर सर उठाकर चलने का मौका आया, तो आप मुझसे ये कहलवाना चाहती हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अब मैं माँ बनने के बाद भी आप मुझे बांझ कहलवाना चाहती हैं। सुनिए, मैं अपना बच्चा हमेशा के लिए ललिता को देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि एक बार दुनिया को पता चल जाए कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे को मेरे ही नाम मिले। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे को नाम तुम नहीं ललिता देगी, और ललिता के साथ साथ दुनिया भी यही समझेगी कि इस बच्चे को जन्म तुमने नहीं ललिता ने दिया है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आखिरी बार तुमसे विनती कर रहा हूँ लक्ष्मी,
मेरी बात मान लो, तुम्हारी हाँ से वो जी जाएगी और तुम्हारे ना से वो मर जाएगी। आपको क्या पता कि दुनिया ने मुझे कितना सताया, आपके बारे में क्या क्या कहा कि लक्ष्मी को बच्चा नहीं होता तो उसमें पूरा दोष लक्ष्मी का नहीं, उसके पति भी उसके जिम्मेदार है। मैं अपने बच्चे को दिखाकर उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ और करके ही रहूं। भैया भैया भैया, मैं बाप बन गया, मेरे से को बच्चा हुआ है। हाँ भैया, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ आओ ना, आओ ना मेरे साथ आओ, देखो भैया। मुबारक हो बेटी। की मर्जी कहूं या तकदीर का जुल्म, मेरी समझ में नहीं आता। ललिता की गोद सुनी रह जाती और भगवान तुम्हारी गोद भर देता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता भाभी, क्योंकि मेरी नजरों में औलाद से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं की कीमत है। रो मत भाभी, रो मत। तुम भी आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसी हरकतें कर रही हो। मॉडर्न लड़कियों जैसी? क्या मतलब? मतलब ये मैम साहब कि आजकल की लड़कियां बच्चे को अपना दूध पिलाने की बजाय बोतल से बाजारी दूध पिलाती हैं, ताकि उनकी खूबसूरती में कोई फर्क ना आ जाए। तुम भी वैसा ही कर रही हो। अगर बच्चे को सेहतमंद बनाना है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए, समझी? जानती हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। एक तो मैं पहले ही कमजोर थी, किशन के पैदा होने के बाद खून में और कमी हो गई, मैं ज्यादा कमजोर हो गई, इसलिए दूध बनता ही नहीं। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस मामले में दीदी बड़ी महान है। भगवान ने उनका अपना बच्चा उनसे छीन लिया, लेकिन वो किशन को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करती है, और जब वो किशन को प्यार करती है तो उनकी ममता छलक उठती है, और साथ ही उनके सीने से किशन के लिए दूध भी छलक पड़ता है। भारतीय नारी की जो परंपरा है वो सारे गुण और ममता दीदी में है। इसमें क्या शक है, काश उनका बच्चा जिंदा होता। लेकिन ये बच्चा, देखिए पेड़ के फल और समंदर के नमक का क्या संबंध, मगर जब वो दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है। इसी तरह मैं और दीदी दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दूध पिलाने का सौभाग्य सिर्फ दीदी को मिला। अच्छा जरा बच्चे को संभालो, मैं देखकर आती हूँ दीदी ने खाना खाया है नहीं।
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। अरे बच्चों कहाँ लेके जा रही हो? दीदी के पास। क्यों? ओहो दीदी की गोद में जाके फौरन सो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को मेरे पास छोड़कर क्यों जा रही हो? चलो वही ले जाओ इसे। नहीं नहीं दीदी, सारा दिन इसे गोद में लादे लादे मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, अब मुझसे और नहीं उठाया जाता, आप ही इसे अपने पास उला दो ना। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक आधी रात में उठकर रोने लगे और दूध मांगे तो? नहीं नहीं दीदी, ये नहीं उठेगा, आप ही के पास तो मजे में सोता है, उल्टा मुझे ही रातों को परेशान करता है। अब देखिए ना, वैसे ही कमजोर हूँ, खून की भी तो कमी है, अगर मैं मर गई तो किशन को कौन संभालेगा? ललिता खबरदार, जो ऐसे मनहूस शब्द मुंह से निकाले तो मारे तेरे दुश्मन। जाओ जाकर सो जाओ, मैं बच्चे को सुलाती हूँ। जाओ। ओए माँ। क्या हुआ? दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे सर, दर्दे कमर। तुम नहीं डरो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। क्या मतलब? बुद्धू, मतलब ये कि दीदी की तरह तुम भी धोखा खा गए, यही नाटक करके तुम्हें बच्चे को दीदी के पास छोड़ाई हूँ। बच्चा छोड़ाई हो ठीक है, लेकिन भाभी के साथ नाटक करने की क्या जरूरत है? वैसे माफ करना, तुम एक बच्चे के बाप तो बन गए हो, लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो। इतना भी नहीं समझते कि इतने बरसों बाद दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसे भी भगवान ने छीन लिया, अब अपनी सुनी और खाली गोद देखकर दीदी को दुख नहीं होगा क्या? ओ, वो दीदी, नहीं नहीं इधर। आजा 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 आजा, यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए, तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। पकड़ा। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना, काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। हाँ? चल यहाँ तक तो सब ठीक है, अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से
से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है? खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई। पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं। शर्म, छोरी, इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म, दादी, कोई काम नहीं करती। निया बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो उठ, पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे अरे ये गधे के लाश, हट अरे हट, अरे क्या हो रहा है? अरे हट हट हट, अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी जूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। मैं सड़ा हुआ कद्दू? मुझे किसी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना आता। अरे क्यों मार रहे हो? अरे अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है को खाली थैली नहीं है जो पटक पटक के मारता। और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता? खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा है सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवालाल अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था। चलो हटो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। लानत है हम जैसे मर्दों पर, बीवी के पर। जीजा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ, मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था। मुबारक हो जीजा जी, ललिता को यानी कि लड़का पैदा हुआ है। हे भगवान, हमारी तीर्थ यात्रा बेकार नहीं गई, सफल हो गई। लेकिन भैया, वो हरामजादी मनहूस लक्ष्मी भी तो गर्भ से थी, उसका क्या हुआ? उसका बेटा तो पैदा होते यानी के मर गया। अरे क्या हुआ, इस खुशी के मौके पर आप रो क्यों रही हैं? हमारी सारी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा बेकार गई, तुम्हारा बच्चा मर गया सुनकर बहुत दुख हुआ। एक तो इन्हें परसों बाद बच्चा हुआ, वो भी यमराज उठाकर ले गए। देखिए जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है, आप लोग अपने नवासे से मिल लीजिए। ललिता ललिता ललिता, क्यों फटे हुए बांस की तरह गला फाड़ के चिल्ला रही है? मकान जल गया, आग लग गई है? अरे मकान नहीं, मेरा दिल जल रहा है। ये मनोज औरत हमारे बच्चे को अपना दूध पिला रही, देखो। माँ, तुम लोग फिर आ गए यहाँ और आते ही अपना नाटक शुरू कर दिया और कोसने डालने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। अच्छा बोलो क्या नहीं हुआ। अरे देख, वो मनहूस, वो नागिन, वो बांझ हमारे बच्चे को अपनी छाती का दूध पिला रही है। काली नहीं, सीधे मुंह बात करो, दूध पिला रही है तो उसमें क्या बुराई है? अजीब बेवकूफ लड़की है, इतने वर्षों तक ये औरत बांझ रही, इस साल इसने एक बच्चे को जन्म दिया और ये नागिन खुद अपने ही बच्चे को खा गई, और आज ये नागिन हमारे बच्चे को अपना जहर पिला रही है। माँ मैं फिर कहती हूँ, खबरदार जो दीदी के खिलाफ एक भी गलत शब्द अपने मुँह से निकाला तो। वो देवी है और देवी का दूध तो एक तरफ, अगर वो मेरे बच्चे को जहर भी पिला दे तो वो उसके लिए अमृत बन जाएगा, समझी? तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चले जाओ? इतना भयानक अपमान? मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये घर जो एक मंदिर समान है उसमें जो देवी रहती है उसका अपमान करने से रोक रही हूँ। जाओ यहाँ। ठीक है जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कह देती हूँ, इस मनहूस ने बच्चे को हाथ लगाया, उसे अपना दूध पिलाया, मतलब इसने अपनी बुरी नजर का बच्चे को शिकार बना दिया। अरे अपना बच्चा हड़प कर गई तो तेरे बच्चे को क्या छोड़ेगी? देख लेना एक दिन बच्चा उल्टियाँ करेगा, खून की उल्टियाँ करेगा, इसे तेज बुखार होगा और कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि शराब और बुरी नजर का कोई इलाज नहीं होता, और एक दिन बच्चा मर जाएगा तब तुझे मेरी बात याद आएगी। माँ तुम जाती हो कि धक्के देके बाहर निकालो? छोड़ो छोड़ो मुझे। बच्चे को नहीं, अब मैं बच्चे को नहीं छूंगी, कभी से हाथ नहीं लगाऊंगी,
मुझे डर लग रहा है। दीदी आप बच्चे को लेती हैं या नहीं? मैं बच्चे को नहीं ले सकती, मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं लूंगी। दीदी आपको मेरी कसम है, ले लो बच्चे को। नहीं ललिता, मेरी बात मानो, जिद मत करो। दीदी अपना दूध पिलाओ। दीदी मैं कहती हूँ पिलाओ अपना दूध। दीदी अपना दूध पिलाओ, पिलाओ अपना दूध। कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा, खरीदने वाला चाहे इस गांव का हो या दूसरे गांव का। किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी माँ होती है, और कोई भी इंसान अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। जहां तक पुराने कर्जों का ताल्लुक है, उससे बचने के लिए सरकार ने बहुत से तरीके निकाले हैं, इसलिए किसी की धौंस में आकर या घबरा कर अपनी जमीनें मत बेचना। कोई भी माई का लाल आपके खून पसीने की फसल को अब छू तक नहीं सकता। भाइयों एक खुशी की बात और है, आप सबने गांव की पंचायत में अपनी अपनी जमीनों के वास्ते बीज और खाद के लिए जो पैसे जमा किए थे, उन सब का सामान आ गया है, और वो सामान हिफाजत के साथ विजय बाबू के गोदाम में रखवा दिया गया है। बस बस बस, हमें सिर्फ वक्त और मौसम का इंतजार है। हम सब एक साथ मिलकर बीज बोएंगे, हमारी जमीनें एक होंगी, हमारी मेहनत एक होगी, हमारे दिल एक होंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो जो हमने सपने देखे हैं वो भी नेक होंगे। साले भाई तुम अंदर जाओ, मैं वहां जाके पहरा देता हूं ताकि कोई आना जाए। हां चलो। अरे चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बात दरअसल ये है कि गोदाम में चूहे बहुत हो गए ना, इसलिए उन्हें मारने के लिए हम लोग दवाई डालने के लिए दवाई डाल। तुमने इस गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया है, काफी बर्बादी फैलाई है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी करतूत होगी। इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई, और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों की वजह से पुलिस इस गांव में दाखिल हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम आज और इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ। जीजा जी मुझे बचा लीजिए। जीजा जी कौन है? तुम्हारे साला। कौन साला? क्यों मुझे जीजा बोलकर अपनी बहन को गाली दे रहा है? जाना पहचान जीजा जी सलाम। अबे हट, मेरे पांव पहले करा हाथ लगा के। पन्नालाल बहुत हो चुका, पंचायत वालों इनको इज्जत के साथ गांव की सरहद का राजा दिखा दो। अबे चल नहीं छोडूंगा, तुम सबको देख लूंगा, नहीं छोडूंगा। वाह विजय वाह, तुम तो महानता से भी ज्यादा महान हो, ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हो। अरे सागर में क्या पानी होगा तो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार का सागर मौजे मार रहा है। इस गांव को बचाने पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, और तुम्हारे झंडे का डंडा पकड़ के नारा लगाता हूँ कि सच्चे का मुंह काला, नहीं नहीं झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल भाला। विजय भैया की कोई भी नहीं है, जय विजय भैया की जय। डॉक्टर लीलावती? यस। मैं विजय चौधरी बोल रहा हूँ। अचानक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोशी का आलम है, आंखें तक नहीं खोल रहा। आप जरा जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छी बात है, मैं आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी तुमने बच्चे को क्या खिला दिया था? कुछ नहीं, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं खिलाया। अगर कुछ नहीं खिलाया तो इसकी ये हालत कैसे होगी? तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मन ही मन अपने तकदीर को कोस रही हूँ कि मुझे भगवान को इस मासूम के पालन पोषण करने की क्या जरूरत थी। दुनिया की नजर में ये एक भांज स्त्री जिसका साया भी मनहूस है। सच कहते हैं वो लोग कि मैं ही कारण हूं इसकी बीमारी का,
और कोई कारण नहीं। दीदी ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है। बच्चे को निमोनिया हुआ है। The child is suffering from acute bronchial pneumonia। बच्चे को नहलाया था क्या? हाँ। कब? सुबह तेल की मालिश करके नहलाया था। इसीलिए ऐसे निमोनिया हुआ है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान। मैं इसे इंजेक्शन देती हूँ, अगर 3 घंटे के अंदर अंदर फायदा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो। नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर, आप अकेले हमारी इस राज की, इस सच्चाई की गवाह हैं। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो आप जानती हैं कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे त्याग की भगवान की नजरों में जरा भी कीमत होगी तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये एक डॉक्टर नहीं, एक औरत कह रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी धीरज रखो, तुम बड़ी हो, तुम इस तरह बर्ताव करोगी तो ललिता से क्या होगा। जाओ, जाकर उसे धीरज दो, लाओ बच्चे को मुझे दो। ललिता, तुम फिक्र मत करो, भगवान की दया से हमारे किशन को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि उसकी जान को खतरा है। नहीं! मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे का मुझसे जुदा मत करो, मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। इस मनहूस नागिन ने बच्चे को अपना जहर पिलाया है, देखना एक दिन बच्चा उल्टियां करेगा, खून की उल्टियां, उसे बुखार होगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होगा, और फिर एक दिन बच्चा मर जाएगा। लो मेरा बच्चा मुझे दो, मैं बच्चे को अपने घर ले जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? बच्चे को इस हालत में घर ले जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि बच्चा इस घर में रहेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। पागल हो गया क्या? ललिता ठीक कहती है, ललिता ले जाओ अपने बच्चे को, फौरन ले जाओ। लेकिन बच्चे को अभी भी इंजेक्शन लगाया है, ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे, ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक है। इसे ले जाने दीजिए। जब इसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि बच्चा यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा, तो इसे ले जाना ही अच्छा है। ललिता, इसे ले जाओ, जल्दी जाओ। भाभी, रवि तुम भी जाओ, उसका अकेले जाना ठीक नहीं, जाओ रवि, मैं कहता हूँ जाओ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, मैं तो तुझे पहले से कहती थी इसे वहाँ मत रख, मत रख, मत रख। अच्छा हुआ तू इसे यहाँ ले आई। अरे बाबा तू ठहरना, तू जा डॉक्टर शिराज को बुला के ला। जा। डॉक्टर लीलावती ने जो दवाइयां दी थी वो बिल्कुल सही थी, अब बच्चा खतरे से बाहर है। मेरा ख्याल अब वही दवाइयां देते रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, हमेशा हमारे पास रहेगा। जाकर भैया और दीदी को खबर कर दो कि किशन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, वो लोग परेशान होंगे। भाभी, भैया, भैया किशन ठीक हो गया, हमारा किशन बिल्कुल ठीक हो गया भाभी। हाँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा अब तुम जाओ, जल्दी अपने बच्चे के पास जाओ। नहीं भाभी, अब वहाँ हमारी क्या जरूरत है, किशन बिल्कुल ठीक हो गया, हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन भाभी तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि ललिता ने बच्चे को यहाँ से ले जाते वक्त जो बेवकूफी की थी वो तुम माफ कर दोगी। अच्छा बाबा, माफ किया। रवि, जाकर बच्चे और ललिता की देखभाल करना, और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देता वहीं रहना। जा जा मेरे भाई, जाओ। अरे अरे ठहरो, ये मेरे खेत की हद है, क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? क्या तेरा खेत मेरा खेत, ये सब झगड़ा तो खत्म।
अब ये सब खेत मिलकर एक होने वाले हैं। तुम्हारे बाप की हिटलर चाहिए, सब मिलकर एक होने वाला है। मिलावट राम जी, सहकारी खेती के लिए हमारे चौधरी साहब ने तमाम खेतों को मिलाकर एक कर देने का ऐलान किया है, इसलिए हम सब ने फैसला कर लिया है कि ये खेत हम उनको देंगे। अरे तुम खेत की अपने बीवी बच्चे भी उनको दे दो ना, मुझे क्या लेना देना है, मगर मेरे खेत की आदत क्यों तोड़ रहे हो? फावड़ा किधर गया? क्या कर रहा था? मैं ये तोड़ रहा, मिला रहा था। मिला रहा था? इसमें सारे गांव की भलाई है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो, इसमें गांव की नहीं तुम्हारी चौधरी की भलाई है। पहले वो खेत मिला देगा, बाद में हड़प करके तुम सबको हिला देगा। अबे ओ मिलावट राम, मुंह संभाल के बात कर, विजय बाबू इंसान नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देवता है देवता। अरे काय का देवता है, बेईमान है, 420 है, फंदेबाज है। अबे चौधरी साहब के खिलाफ बोल रहा है, काट डालो इसको, काट डालो साले को, टुकड़े टुकड़े कर दो। काटो मत। दोनों तरफ की बात करता है। अरे यही तो देश की हालत है। आज तो तेरे को छोड़ दिया, अगर आज के बाद कभी कुछ बोला है तो काट के फेंक दूंगा। चलो चलो। अरे क्यों छोड़ दिया यार? क्यों छोड़ दिया उनको? उनको क्यों छोड़ दिया? मैंने तेरे को बचाने बोला, तू बोलता काटो। सेठ जी आपकी नीयत की तरह आपके कान भी खराब है, आप तो खामखा भाग कर आ गए। मैं तो उसे कह रहा था काटो काटो, मगर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, काटा ही नहीं। मैं खैर जाने दे। नाम मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चालाकी से गांव के सारे खेतों को मिला डाला। अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट से ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि उसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। तू समझेगा भी नहीं। आजा। आया। मेरी तरफ से 500 रुपया धर्मशाला में दे दो। मुबारक हो मिलावट राम जी। अरे आइए। किस बात की मुबारकबाद? सुना है कि आप हमारी सहकारी खेती की मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अपने खेत पंचायत को दे रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। क्या है, बरसों बाद मन की बंद आंखें खुली तो मैंने सोचा कि आपके देवता स्वरूप सरपंच के नक्शे कदम पर थोड़ा चल के देखूं। शाबाश, तेरा यह दुरुस्त आया। ये मेरी जमीन के कागजात हैं और ये उसका नक्शा है। नक्शा? ये किस लिए? नक्शा तो बहुत जरूरी है। क्या इंसान की जिंदगी क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल अगर मैं मर गया, ये बहुत बुरी बात है, हंसना नहीं चाहिए। कल अगर मैं मर गया तो मेरी जमीन का वारिस तुम नहीं, मेरा दामाद, मेरी बेटी होगी। तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनके खेत कहां से कहां तक हैं? नक्शे के जरिए। ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में झगड़े होंगे, है कि नहीं? हाँ, आपने नहीं बनाया नक्शा? ये लीजिए, एक आप रखिए, एक मैं रखता हूँ। मिलावट राम जी, बहुत सही बात की आपने भाई। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी अपने अपने खेतों के नक्शे बनवा लेने चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में जमीन के लिए झगड़े ना हो। जी बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलावट राम जी, बहुत सही रास्ता दिखाया आप। ये मैं आपके सही रास्ते पे चला तो मुझे खुद सही रास्ता नजर आया। मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। जीते रहो। पार्टी खा गए? आओ रवि आओ। तुम्हारे विजय भैया ने गांव को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो सहकारी खेती, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने सारे खेत। सुन लिया ससुर जी, ये काम करके आपने अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है। अरे मैं काहे का अकलमंद, मैं तो बेवकूफी का बुझा हुआ बल्ब हूँ। अकलमंद तो तुम्हारे भैया हैं जिन्होंने अपने सारे खेत देकर एक नए काम की शुरुआत की है। अरे रवि भैया, उन खेतों में तुम्हारे भी तो खेत होंगे ना? अरे बेवकूफ, सारे खेत का मतलब नहीं समझता है। सारे खेत का मतलब विजय भैया के खेत, रवि के खेत है ना? हाँ, लेकिन विजय भैया ने वो सारी जमीन देने से पहले तुमसे पूछा था। विजय भैया सिर्फ गांव के ही मुखिया नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी मुखिया हैं, भगवान हैं, और भगवान से सवाल नहीं किए जाते। पर रवि बेटे, जब से विजय भैया ने सहकारी खेती का काम शुरू किया, गांव वाले जाने के अनाप शनाप बकने लग गए हैं। क्या बकते हैं? तू क्या चुप खड़ा है, रावण के पुतले की तरह बोलना। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, मैं उनको देवता समझता हूँ। कुछ बोलूंगा तो मेरी जबान को चक्कर आ जाएगी, तू बोल। नहीं नहीं नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि विजय बाबू की तो औलाद नहीं है, लेकिन रवि की तो औलाद है ना। कल की किसको खबर, कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि बिना सोचे समझे विजय बाबू ने जोश में आकर अपने परिवार के सारे खेत दे दिए हैं। विजय भैया ने आज तक जोश में आकर कोई काम नहीं किया, और ना ही कोई काम अपना नाम और शोहरत कमाने के लिए किया है। हमारे विजय भैया ने आज तक कोई काम नाम और शोहरत के लिए नहीं किया। लेकिन रवि बेटे, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी बात रुपए में 60 पैसे सही है, मगर 40 पैसे जरा गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मान लो कल गांव की पंचायत का दोबारा इलेक्शन हुआ और उसमें विजय भैया की जगह कोई नया सरपंच आया और उसने ये सहकारी तरीका कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ? अपने अपने खेत वापस ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे वापस ले लेंगे, इतना आसान काम थोड़ी जितना तुम समझ रहे हो।
जब सारे खेतों की हदें तोड़ दी जाएंगी, सारे खेत मिल जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा तुम्हारा खेत कौन सा है, मेरा कौन सा है? खैर इसका तो है ही नहीं, अपने अपने खेत पहचानेंगे कैसे? इसीलिए सेठ जी ने अपनी जमीन देने से पहले उसका नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया। ये देखो, दिखाइए। ये है मेरा खेत। अब मेरे बाद मेरे खेत के वारिस तुम बनोगे, ललिता बनेगी, मगर तुम अपने खेत कैसे पहचानोगे, कहां से कहां तक है? कोई जवाब? बाबूजी, आप खामोखा एक ही बात को लेकर अड़े बैठे हैं। मुझे पहचाने की क्या जरूरत है? विजय भैया जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे खेत कौन से, और वही पहचानेंगे। लेकिन बेटे, भगवान न करे कल अगर विजय भैया न रहे तो। गुस्सा मत करो, जरा ठंडे दिल से सोचो, गुस्से पर ठंडा का मसाला डालो। देखो, जिंदगी इंसान को मिली है मर जाने के लिए, दुनिया में इंसान आया चले जाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, जैसे आज सेठ जी जिंदा है, कल लुढ़क के मर जाए तो। मरे तेरा बाप, मिसाल दी है। रवि बेटे, देखो अपने बच्चे के बारे में सोचो, कल तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, उसे खेती बाड़ी के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा, किसे मांगेगा अपनी जमीन? आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी, सीधे विजय भैया के पास नहीं जाएगा, जाकर पूछेगा ताऊजी ताऊजी मेरे खेत कौन से हैं? आओ खच्चर जी, इसका बेटा विजय भैया के लिए पोते समान होता है, और पोता के अपने दादा से पूछेगा कि दादा दादा मेरे खेत कहाँ है, उसको शर्म नहीं आएगी, है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी। इसलिए तुम अपने बड़े भाई से लक्ष्मण की तरह बड़े अदब से, नरमी से, वफादारी से, फरमाबरदारी से ये पूछो कि भैया मेरे बच्चे के खेत कहाँ से कहाँ तक है। बस नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बड़े भैया से कोई सवाल नहीं किया। तो सवाल करने की जरूरत क्या है, मैं दो शब्द लिख देता हूँ, तुम खाली उस पर दस्तखत कर दो। सो तो है, वो मुंह से पूछने से बदतमीजी होगी, लिख कर पूछने भी शराफत है। जा जा, तू लिख दे, लिख दे। और क्या है, विजय भैया को बड़ी खुशी होगी कि तुमने इतनी मामूली सी बात भी उनसे सीधे जाकर नहीं पूछी, खत के जरिए पूछी, अदब और शराफत के तरीके से पूछी। बहुत खुश होंगे, दुआएं देंगे तुमको, मालूम? पढ़ के सुनाओ। अबे चल सुन, ये सुना के क्या कर दे। अरे मैं हूं ना, ले दस्तखत कर। चल अभी तो घर से खुशी खुशी गए थे, तो अचानक ही चिल्लाना क्यों? तबीयत तो... हाँ तबीयत ठीक है मेरी। अब जो मैं कहता हूँ सुनो तुम, घर में जो जो जेवरात हैं, जो जो सोने चांदी पीतल के बर्तन हैं, वो सब लग रहे रख दो, जाओ। हाँ हाँ रख दूंगी, लेकिन बात क्या है? ये देखो, पढ़ो इस चिट्ठी को, पढ़ो पढ़ो इस खत को। तो इसमें इतनी नाराजगी क्यों? तुम्हारे छोटे भाई ने सिर्फ इतना ही पूछा कि मेरे खेत कहाँ से कहाँ तक है। हाँ हाँ, पूछ लिया ना। मेरा भाई जिसे हमने अपनी औलाद की तरफ पाला है, बेटे की तरह चाहा है, वही बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अपनी माँ से पूछ रहा है कि उसके खेत कहाँ से कहाँ तक है। वो अपने मन की बात अपने बेटे के नाम पर डालकर पूछे, जैसे उसका बेटा हमारा कुछ भी नहीं। उस एहसान फरामोश को नहीं मालूम कि उसे हमने अपने बेटे की तरह समझा, और जिसे वो अपना बेटा समझ रहा है वो दरअसल हमारा बेटा है। लेकिन ये बात उसने खुद तो नहीं पूछी ना, खत किसी और ने लिखा है, उसने सिर्फ दस्तखत किए हैं। सिर्फ दस्तखत किए? मेरे खेत कहां से कहां तक है, या मेरी जायदाद का बंटवारा कर दो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मी, हम दोनों भाइयों को जुदा करने या हमारी जायदाद का बंटवारा करने में हमारे दुश्मन आज तक नाकाम रहे, लेकिन आज मेरा अपना ही भाई कामयाब हो गया। इसका मतलब आप बंटवारा करेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे कि छोटा भाई बाल बच्चे वाला हो गया, तो बड़ा भाई उसे कुछ दिए भी नहीं सब कुछ हड़प कर गया। मैं ये बंटवारा उसे अकेले बुलाकर नहीं करूंगा, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनके सामने करूंगा। मैं गांव वालों के सामने सारी चीजें दो हिस्सों में रख दूंगा, और उसमें से एक हिस्सा उसे चुनने के लिए कहूंगा। जाओ लक्ष्मी, जाकर सारा सामान ले आओ, एक एक चीज लाना, यहां तक कि पानी पीने का गिलास भी। मामा तू ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपनी भांजी के बच्चे से खेल रहा हूं। खबरदार, ये क्या मजाक है? मुझे इसे ले जाना था, मुझे जल्दी जाना है। हाँ तो जाओ ना, तब तक मैं इसको संभालता हूँ।
लेकिन जहाँ तुम जा रही हो ना, वहाँ जाकर सिर्फ मेरा मामला संभालना। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने रवि को बंटवारा रोकने के लिए भेजा है, अब तुम खुद वहाँ जाओ और बंटवारा करवाओ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एहसास दिलवा रहा हूँ कि बंटवारा करवाओ, वरना तुम्हारे इस बच्चे को दो हिस्सों में चीर कर इसका बंटवारा कर डालूंगा। तुम मेरे बच्चे की जान ले लोगे, और इसकी जान के बदले तुम चाहते हो कि मैं उस स्वर्ग से सुंदर घर को उजाड़ दूं? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं करोगी? तुम्हारा एक इनकार तुम्हारा यानी कि सब कुछ बिगाड़ सकता है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे उस स्वर्ग से सुंदर घर के तमाम देवी देवताओं को गोली के निशाने पर रखा हुआ है। अगर रवि ने बंटवारे से इनकार कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारा बड़ा देवता उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद लक्ष्मी देवी मार दी जाएगी, हो सकता है तुम्हारा रवि भी मार दिया जाए। तुम्हारे एक बंटवारे को रोकने के लिए कई जाने जाएंगी, तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए जाओ, फौरन जाओ और वहाँ से तमाम जेवरात, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे लेकर सीधा मेरे पास आओ, और तब तक मैं तुम्हारे इस नरम चूजे को अपनी हिफाजत में रखूंगा। जाओ। हट जाओ यहाँ से। ये क्या है? ये बच्चा कहाँ ले जा रहा है? अरे इसी बच्चे के बलबूते पर तो मैं बच्चे के घर का बंटवारा करवाऊंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, अपने बेटे का बदला लूंगा, तमाम जेवरात और जायदाद देकर यहाँ से रफूचक्कर हो जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, ये मेरा नवासा है। तेरा नवासा है? वाह वाह वाह, अरे मैं भी तो तेरा साला हूँ। जिस तरह वक्त आने पर तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, उसी तरह मैं भी तेरे नवासे को यानी कि पहचानने से इनकार करता हूँ। लक्ष्मी, जी सब सामान रख दिया ना? हाँ। सुनो, ये गहने क्यों पहन रखे? उतार देने। ठहरो, तुमने अपने गले में सोने का मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तब तुम्हारे गले में एक पीला धागा था, उतारो से। सोच के रही हो? मैंने कहा उतारो से। विजय बेटे, तुमने हमें बुलाया है? हाँ रहीम चाचा, मेरा छोटा भाई रवि जायदाद का बंटवारा चाहता है। रवि और जायदाद का बंटवारा? नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। बेटे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, रवि ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूँ रहीम चाचा, रवि बंटवारा चाहता है, उसके अलावा और कौन है जायदाद का दावेदार? आओ भाई रवि, आओ आओ आओ, आओ ना। मुझे तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बेहद खुशी हुई। खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेत कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं, और वो भी किशन के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं जानता हूं कि वो खत तुमने क्यों लिखा, किसके इशारे पे लिखा, लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी तरह चलना सिखाया, कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया, इसलिए दोष मेरा है। ये देखो, मैंने सारी जायदाद दो हिस्सों में बांट दी है। लेकिन भैया, मैंने ये सब कब मांगा? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बना, तूने तो सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, मैंने जिंदगी पढ़ी है जिंदगी। आओ भाई आओ, देख लो, मैंने घर की तमाम चीजें दो हिस्सों में बांट दी है, अच्छी तरह देख लो। आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा दो हिस्से नजर आ रहे हैं। रहीम चाचा, आप जरा जाकर उनकी पत्नी से तो पूछिए। लक्ष्मी बेटी, ये पहले कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये दो हिस्से कहाँ हैं? रहीम चाचा, जब दो हिस्से होंगे तब तो आपको नजर आएंगे ना, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, मैं उनसे पूछती हूँ। सुनिए, आप बंटवारा ठीक ढंग से करवाना चाहते हैं ना? हाँ।
यहाँ हर एक परेशान है। आपने सारी चीजें एक जगह जमा कर रखी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दो हिस्से कहाँ हैं। दो हिस्से हैं, जिनकी आंखें हैं उनको दो हिस्से दिखाई देंगे और जिनकी नहीं है वो नहीं देख सकते। रवि तुम खड़े क्यों? दो हिस्सों में से अपना हिस्सा चुन लो। रहीम चाचा, मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत लिख दिया। ये मेरा कसूर है। रवि बेटे, विजय बहुत समझदार इंसान है, जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है। भैया ने वाकई सही बंटवारा किया है। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक तरफ जायदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया और मुझसे कह रहे कि इनमें से चुन लो। इस राम ने अपने लक्ष्मण को एक और प्रायश्चित का मौका दिया है। रहीम चाचा, एक और प्रायश्चित का मौका दिया। अरे ये क्या चीज है भैया, दुनिया की तमाम दौलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकरा कर तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूंगा। भैया मैं तुम्हें चुनूंगा, भैया सिर्फ तुम्हें। मुझे मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया। बस करो रवि, बस करो, ये दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर मेरा हक है। तुम अपने सास ससुर बीवी बच्चे के साथ ये जायदाद लेकर तुम खुश रहो, लेकिन ये जायदाद सिर्फ मेरी है। मैं अपनी जायदाद में से किसी को हिस्सा नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा हिस्सा है। ये मेरे सुहाग की दौलत है, अपने सुहाग को लेकर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए भाभी, मुझे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई भाई, कोई भाभी, कोई रिश्तेदार। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, ये घर चाहिए। ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे, मगर ये दौलत कहाँ मिलेगी? अपना लो इस दौलत को। क्या पकड़ी हो तुम, अपने होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मुझे तुम्हारे भैया और भाभी नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। दौलत पास होगी तो दुनिया के बाजार में भैया और भाभी बहुत मिल जाएंगे। मैं समझा था तू पाप के कीचड़ में पैदा हुए कमल की तरह है, लेकिन नहीं, तूने साबित कर दिया तू उस गलीज माँ बाप की जलील और गिरी हुई औलाद है। बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक। अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी जायदाद और दौलत तुम्हें मुबारक हो। लेकिन भैया। चलो लक्ष्मी। भैया 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 रुक जाओ भैया। तुझे दौलत चाहिए ना, तुझे दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए तो ले, ये ले, ये ले। और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्कारी की आंख से सोख जैसे घर को लाल बना दिया। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद तेरा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कोई संबंध, ना तू मेरी पत्नी और ना ही मैं तेरा पति। नहीं नहीं रवि, क्या समझते हो, दौलत और जायदाद के लिए ललिता इस वर्ष को आग लगा सकती है, देवी और देवता जैसे भैया और दीदी को इस घर से निकाल सकती है। सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, अपने बच्चे की कसम, अगर अगर मैंने कदम न उठाया होता तो भैया और दीदी को जान से मार दिया जाता। मैं अपने बच्चे की खातिर धन दौलत जेवरात सब कुछ ले आया हूं, ले लो इसे। अब बताओ कहां है मेरा बच्चा?
हाँ अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ। ये रहा तुम्हारा। ना 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 ठहरो ठहरो ठहरो। ये दौलत तो मुझे उस अपमान के बदले में मिली है जो तुम्हारे भाई और मेरे हरामखोर जीजा ने किया था। लेकिन गांव वालों के सामने मंदिर में जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसका बदला यानी कि अभी बाकी है। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इस नरम चूजे की जान। नहीं मामा जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा बच्चा मुझे दे दो। दे दूँ क्या? यानी कि हिम्मत है तो ले लो। नहीं नवाब जी, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए अपना हाथ मत उठाओ वरना मेरा हाथ छूट जाएगा। और अगर मेरा हाथ छूट गया तो आपका बच्चा यानी कि इस दुनिया से उठ जाएगा। इसलिए मेरी बेइज्जती के बदले मार खाते जाओ, खाते रहो, और हो सके तो अपने आप को बचाते जाओ, बचाते जाओ। छोड़े जा रहे हैं, इसे तो साथ लेते जाइए भैया। दीदी, आपकी अमानत हमारे पास है। हाँ भैया, किशन आपकी औलाद है, आपका खून है, फिर इसे हमारे पास क्यों छोड़े जा रहे हैं? भैया, ललिता ने मुझे आज सब कुछ बता दिया। ललिता, क्या तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है? हाँ भाई साहब, मैं सब कुछ जानती थी। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। किस तरह दीदी अस्पताल में मेरे कमरे में आई और अपने बच्चे को मेरे उजड़े हुए पालने में डालकर अपनी गोद उजाड़ कर चली गई।
मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही। तो फिर एक बात बताओ ललिता, जब तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है और जब किशन बीमार हुआ तो तुम उसे अपनी माँ के घर क्यों ले गई? अपनी माँ के कारण, जिसके मुंह से गाली और कोसने के सिवा कुछ नहीं निकलता। सारी दुनिया किशन को हमारा बच्चा समझती थी। अगर अगर किशन को आपके घर में कुछ हो जाता तो लोग मेरी देवी जैसी दीदी का मजाक उड़ाते, इन्हें इन्हें बाज मनहूस न जाने किस किस नाम से पुकारते। इसीलिए मैं किशन को अपने साथ ले गई ताकि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो मेरी ही गोद में हो। सारा इल्जाम मुझे पर आए। बंदर लिखा, शैतान लिखा, भागती किधर है? भागती किधर है? अरे ये छोड़ दे जी, अरे ये क्या हो रहा है आपको? ये आपको बता रहे हैं गरम मसाला। चल, माफी मांग, माफी मांग। इस देवी ने तेरी मरती हुई बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और तू सारी जिंदगी इसको गाली देती रही, मनुष्य कहती रही, बाज कहती रही। बाज तेरा बाप, तेरा पति, यानी कि मैं। विजय बेटा, आदमी को इंसान, शैतान और भगवान बनाने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे ये देवी, तुम महान हो मगर तुम्हारी महानता में इस देवी का बहुत बड़ा हाथ है। औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर वो चाहे तो उसे स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मेरा साला इस सारे फसाद की जड़ है तो ये उस फसाद की कीचड़ है और मैं उस कीचड़ का कीड़ा हूँ। हम सबको ले जाकर जेल में बंद कर दो मगर अलग अलग कोठरी में रखना, वरना कैदियों को आपस में लड़ा देंगे हम लोग। और हो सके तो मुझे भी यदि के माफ कर दीजिए। नहीं हो सकता है, चला जी, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। चलो सेठ जी की तरफ से मैं तुमको माफ करता हूँ, बोला है। मैं ठीक है, अगर तुम अपने वचन पे कायम रहोगी तो देखता हूँ माफ कर दूं। कर दो, अरे कर दो, कर दीजिए। हाँ हाँ कर दीजिए। देखा, शर्म कर, इसको बोलते हैं देवता। माफ कर दिया, चल बिचकर।